हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रशासन गांवों के संग अभियान ने पकड़ी रफ्तार, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं जैन। अब तक 75,000 से अधिक लोगों ने की शिविरों में शिरकत, 6,814 आवासीय पट्टे जारी, 17,134 का नामांतरकरण। बाड़मेर, प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्रामीणों के राजस्व सहित विभिन्न विभागों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण कर राहत पहुंचाई जा रही है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत बुधवार 27 अक्टूबर को 10 तथा गुरुवार 28 अक्टूबर को 13 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। वहीं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बुधवार 27 अक्टूबर को नगर परिषद बाड़मेर के वार्ड संख्या 50, 51, 52, 53 एवं 54 तथा गुरुवार 28 अक्टूबर को वार्ड संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के लिए शिविर आयोजित होंगे। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान 25 अक्टूबर तक जिले की समस्त पंचायत समितियां के 182 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाकर राजस्व सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान 25 अक्टूबर तक जिले की समस्त पंचायत समितियों की 182 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राजस्व सहित विभिन्न विभागों के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में नामांतरण के 17,134 प्रकरण, राजस्व अभिलेख खातों के शुद्धिकरण के लिए 19,821 प्रकरण, आपसी सहमति से 2,071 खातों का विभाजन, 347 रास्ते के प्रकरण, 14 नए राजस्व गांव के प्रस्ताव, सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी के 543 प्रकरण, 19,269 राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपियों का वितरण तथा जाति मूल निवास हैसियत प्रमाण पत्र इत्यादि के 15,376 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त आयोजित शिविरों में अब तक 75,419 लोगों ने भाग लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करवाया। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य कार्य का शिविरों में निस्तारण किया जा रहा है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के 250 लाभार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान, 3,582 नवीन जॉब कार्ड, 6,814 आवासीय पट्टे, 2,328 वृद्धा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण, हैंडपंप मरम्मत के 268 प्रकरण, विद्युत व्यवधान के 238 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसी प्रकार शिविरों में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के 923 प्रकरण, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के 15 प्रकरण, मुख्यमंत्री पालनहार योजना के 421 प्रकरण, 202 नवीन जन आधार नामांकन, 1,017 जन आधार संशोधन, 1,540 छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है। जैन ने चूली शिविर में की शिरकत। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर की चूली ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अधिकाधिक संख्या में शिविरों में उपस्थित होकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के काउंटरों पर जाकर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की जानकारी ली तथा उन्होंने संवेदनशीलता के साथ लोगों के कार्य शिविर में ही संपादित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को पट्टे एवं विभिन्न स्वीकृतियां का वितरण भी किया। इस दौरान शिविर प्रभारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विश्रोही, तहसीलदार प्रेम सिंह चौधरी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। आज के शिविर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत बुधवार 27 अक्टूबर को पंचायत समिति बाड़मेर में सनावड़ा, कल्याणपुर में नागाणा, गिड़ा में खारड़ा भारत सिंह, धोरीमन्ना में चैनपुरा, गुड़ा मालिनी में भेड़ाना, रामसर में अके का पार, फागलिया में बावरवाला, शिव में रामदेरिया, सिवाना में गुड़ा तथा चौहटन में हुड़ो का तला ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कल के शिविर उन्होंने बताया कि गुरुवार 28 अक्टूबर को पंचायत समिति बाड़मेर में जसाई, बाड़मेर ग्रामीण में जालीपा, बालोतरा में गोपड़ी, कल्याणपुर धड़ोई चारणान, बायतू में अकड़दड़ा, धोरीमन्ना अड़दाणियों की दाणी, गुड़ा मालिनी में देवनगर, रामसर में कंटल का पार, फागलिया में बाखासर, शिव में बड़ियाड़ा, सिंधरी में भूखा भगत सिंह, समदड़ी में बाम सिंह तथा धनाव में नवा तला राठौड़ नान ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं बुधवार 27 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर परिषद बाड़मेर के वार्ड संख्या 50, 51, 52, 53 एवं 54 के लिए पुराने पावर हाउस के पास राय कॉलोनी तथा गुरुवार 28 अक्टूबर को वार्ड संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के लिए आजाद चौक में शिविर आयोजित किए जाएंगे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।